सीएम योगी ने आज 2019 में चयनित डिप्टी कलेक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिया। 50 डिप्टी कलेक्टरों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2017 के पहले यूपी में भर्ती प्रक्रिया कलंकित थी। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और जातिवाद होता था। पिछली सरकारों ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। कोर्ट को भर्ती प्रक्रिया में दखल देना होता था। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बलरामपुर दौरे पर जाएंगे। वहां पर प्राथमिक स्कूल और जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा भाजपा कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे, साथ ही आला अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले नई सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सुभाषपा अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद राजभर ने बीजेपी के साथ फिर से आने की चर्चाएं पर विराम लगाया। हालांकि चर्चाएं तेज है। हालांकि राजभर ने कहा कि बीजेपी की ओर से मिलने के लिए बुलाया गया था, किसी से मिलने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने आज 10वीं के भी रिजल्ट जारी कर दिए। परीक्षार्थी सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या फिर cbse.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध है। इस साल 99.4% स्टूडेंट्स पास हुए, जबकि पिछले साल परिणाम 91.46% और 2019 में 91.10% रहा था।